हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनालिस लाइफ स्टूडियो। होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड आप पीछे देख सकते हो घर का हालत भी कितना ख़राब है। सिर्फ घर का हालत नहीं ख़राब है, घर में रहने वाले हर कोई का हालत ख़राब है, सबका हालत ख़राब है। मैं, राजेश, रिधान तीनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी 9:30 हो रहा है, नहीं 10:00 हो रहा है। अभी मैं आधे घंटे पहले उठी हूँ एंड अभी ब्रेकफास्ट का देखना है ब्रेकफास्ट क्या करेंगे। राजेश और रिधान ने दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया, पर मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा सकती, मुझे नहीं पसंद है। पहले मुझे काफ़ी पसंद था, स्कूल टाइम में मैं काफ़ी खाती थी, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो अभी अपने लिए देखती हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करती हूँ। आवाज़ ही नहीं निकल रहा बिल्कुल ही गले से। Let's see. So guys, यहाँ पे मैंने अपने लिए लीकर चाय बनाया है एंड अभी टोस्ट लिया है। तो मेरा यही यहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा। मुझे इवन ये भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं ये एक टोस्ट खा के पहले मेडिसिन लूँगी, रेस्ट करूँगी, फिर भी मैं कुछ करूँगी। तो आपसे मिलती हूँ मैं मेडिसिन वगैरह खाने के बाद। सो हे गाइज, आई एम बैक एंड अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो सोचा आज ब्लॉगिंग ही कर लेती हूँ। तो अभी घर क्लीन करूँगी, पहले रिधान का रूम क्लीन करना है। मैं अंदर वीडियो बोल नहीं सकती बिकॉज राजेश का मीटिंग चल रहा है अंदर। तो अभी पहले रिधान का भी, आज हमने मैट्रेस ऑर्डर किया है तो शायद वो आज डिलीवर हो जाए। तो पहले उसका पूरा टॉय से फैला के रखा है, तो पहले वो क्लीन करूँगी, घर पूरा क्लीन करूँगी। क्योंकि कल मैंने लास्ट आज मंडे को मॉपिंग की थी एंड कल मैंने नई मॉपिंग की, तो मुझे अजीब सा नेगेटिव वाइब्स आता है ऐसे। तो मैं अभी वो क्लीन करूँगी, जब जितना देर एनर्जी रहेगा फटाफट काम करूँगी, फिर मेडिसिन खा लूँगी। तो अभी मैं जाती हूँ पहले रिधान का रूम क्लीन कर। फ्रेश फील कर रही हूँ, घर भी पूरा क्लीन हो गया है तो और भी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। पर अब मुझे फील हो रहा है कि मैं फिर से डाउन होने वाली हूँ, क्योंकि एनर्जी पूरा निकल गई है एंड अब तो जब तक पहले मैं जब तक डाउन हो जाऊँ उससे पहले मैं लंच बना लेती हूँ। तो लंच की तैयारी हो गई है, तो मैं दाल ढोकली बना रही हूँ, जिसको आप लोग दाल ढोकली बोलते हैं पर हमारे यहाँ इसको दाल पिट्ठी बोलते हैं। तो बस वो बना रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कम बन गया है। तो इन्हीं पे जो भी होगा, क्योंकि मुँह का टेस्ट पूरा ख़राब हो गया एंड फिर से मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लगने लगी है। तो अभी रिधान की भी तबीयत थोड़ी ठीक है, उसका भी फीवर गया है एंड ये भी बता दूं कि अभी हम तीनों की तबीयत ख़राब है, हम तीनों डाउन चल रहे हैं एंड पहली बार ऐसा हुआ कि हम तीनों की तबीयत एक साथ ख़राब हुई है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी पर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थर्सडे को वीडियो डालना है और मैंने कुछ जो चीज़ सोच के रखा था वो नहीं शूट कर पाई। तो सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग ही कर लेती हूँ एंड इस कंडीशन में अपने मम्मी पापा की याद आती है। तो बस आती तो आती है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने भेल की तैयारी करके फिर गई थी पूजा करने, तो यहाँ पे भेल की तैयारी हुई है एंड अब भेल बनाऊँगी।
तो यही होता है ना यहाँ, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। मुँह का पूरा टेस्ट ख़राब हो गया है, अजीब सा तीखा तीखा मुँह लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड हालत तो बहुत ख़राब है बिल्कुल। बॉडी पूरा सिवर कर रहा है। एनीवे गाइस, तो मुझे नहीं पता मैं क्या क्या शूट की हूँ, जो समझ में आया वो आज शूट करती हूँ। तो बस यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। एंड या सी यू ऑन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में मिलती हूँ अमेजिंग वीडियो लेके, ठीक है? टिल देन बाय, लव यू, बाय बाय।